हाँ मित्रों, आज ये परिष्कार कॉलेज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णिम दिन है कि परिष्कार कॉलेज से पास आउट बीए के विद्यार्थी मनोज कुमार आईएएस 2019 में सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी 4 अगस्त 2020 को इनका रिजल्ट आया है। 2012 में पास आउट, 2019 में के आईएएस में अटेम्प्ट में बैठना, 2020 में सेलेक्शन, एक लंबी यात्रा है। बहुत अध्ययन की लंबी यात्रा, क्रिएटिविटी की लंबी यात्रा, साथ संघ की यात्रा, स्कूल की यात्रा, माँ बाप का संस्कार उसकी यात्रा, कॉलेज की यात्रा, कॉलेज के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी की यात्रा और फिर कंपटीशन की तैयारी की यात्रा, बहुत ही लंबी यात्रा है। इस लंबी यात्रा में आज सफलता मिली है। मनोज बताओ, ये जो सफलता मिली इस लंबी यात्रा के बाद में, आज इस सफलता में कैसा महसूस कर रहे हो? सर, जब भी इतनी लंबी जब मेहनत की है उसके बाद में उसका परिणाम मिलता है तो वो कुछ समय के लिए तो बहुत अधिक मात्रा में रोमांचकारी अनुभव होता है कि अब इसको कैसे इसका सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थिर होने लगता है मन, और अब तो एक दिन जब गुजर गया है अब हम सोच रहे हैं कि अभी तो फिलहाल ये हमें सफलता मिली है और कैसे इसको आगे और इम्प्रूव करना है। और इम्प्रूव करना है। देखो मित्रों, एक बात है कि इस सफलता के बाद में भी आगे के बढ़ने का सपना मनोज का खत्म नहीं हुआ है और ये कह रहे हैं कि इसको आगे के और इम्प्रूव करना है। अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तुम पैदा हुए, तुम हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के भी पास एक छोटे गांव में पैदा हुए और वहाँ से तुमने शिक्षा प्राप्त की, तो वहाँ से उस नोहर के उस कस्बे से लेकर के अब आईएएस तक की इस यात्रा को खास तौर से पारिवारिक संदर्भ में कैसे देख रहे हो? परिवार का वातावरण कैसे मिला और उस परिवार के वातावरण ने तुमको किस प्रकार से प्रेरित किया और तुम यहाँ पर पहुँचे? मैं परिवार पे तुमसे जानना चाहता हूँ। सर, जहाँ तक शिक्षा का बात है तो केवल शिक्षा के लिए जो मेरा परिवार था वो अपने गांव से शिफ्ट होके नोहर में आया। हमने वहाँ पर नोहर में आकर हम रहने लगे और बाद में हमने प्राइवेट स्कूल में वहाँ पर पढ़ाई की। और परिवार कि जहाँ तक बात है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज जो नारा दिया जाता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, वो पॉलिसी है हमारी फैमिली ने काफ़ी पहले अपना ली थी। यानी शिक्षा पर हमारे पिताजी का ये साधुवाद है कि उन्होंने काफ़ी मात्रा में खर्च किया और हमें जयपुर भेजने तक भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि शिक्षा के लिए आपके संदर्भ में कोई भी कटौती की जाएगी, आप खुले तौर पर आप मांग सकते हैं। तो ये अपने हमें बहुत बड़ा परिवार का योगदान है। मित्रों, आज ये जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें इनके पिताजी से बात करेंगे, परिवार के लोगों से भी, माँ से बात करेंगे, बहनों से बात करेंगे, इनके साथियों से बात करेंगे और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे सारे कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग ये सीख सकें कि ये संघर्ष कैसे होता है कॉम्पिटिशन का, ऐसे करके। तो हम आपके पिताजी से अभी इसमें बात करेंगे। अच्छा, नोहर का जो स्कूल का वातावरण है जहाँ से निकल करके 12वीं तक आपने शिक्षा प्राप्त की, उस वातावरण ने आपको क्या दिया जिसकी वजह से आप फिर यहाँ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए? सर, जो मैंने 12वीं तक जो शिक्षा ग्रहण की है वो दो स्कूलों में ग्रहण किया। 10वीं तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम का एक स्कूल है जिसमें अनुशासन पर बहुत ही अत्यधिक बल दिया जाता था, एक्सट्रीम सिंसियर रहना। अच्छा, अच्छा। आपके नाखून कटे होने चाहिए, आपकी ड्रेस, आपके बेल्ट, आपकी टाई, सब कुछ। अच्छा। और जो 11वीं 12वीं का जो दौर था उसमें मैं ऐसे स्कूल में गया जहां पर कम से कम नियंत्रण। अच्छा। जो किशोरावस्था में आप जितनी मस्ती कर सकते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 11वीं और 12वीं कक्षा के दौरान हमें जो खुलापन मिला, परिवार वालों की नजरों में रह करके हमने उस आजादी का संतुलित फायदा उठा लिया। इसकी वजह से आगे जब मैं जयपुर आया तो मुझे वो खुली छूट का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि नेताजी स्कूल के अनुशासन मेरे अंदर थे और उस आजादी को मैं पहले अनुभव कर चुका था। तो उसको बैलेंस बनाते हुए फिर मैंने आगे अपनी जो कॉलेज शिक्षा है उसको आगे जारी रखा। मनोज, आपने जो इसमें बात की परिवार के संतुलन की, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो टीचर थे, शिक्षक थे स्वयं, तुम वहाँ रहे नोहर में, तो तब तक उनका आप तुम्हारे बारे में, अनुशासन में रखने के बारे में, शिक्षा में संस्कारित देने में उनका कैसा रोल रहा? सर, कुछ घटनाएं अनायास होती है। एक पिता जब अपने पुत्र को बनाता है तो वो अपने आप में उसमें धीमे धीमे चोट करता है। मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ जबरासर नाम का एक गाँव है वहां पर, और उस समय क्योंकि परिवहन की इतनी व्यवस्थाएं होती नहीं थी
तो साप्ताहिक रूप से वो आते थे, सैटरडे को आते थे और मंडे को वो सुबह जाते थे, क्योंकि अप डाउन नहीं कर सकते थे। तो उस दौरान हमारे पास कोई जैसे मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी ऐसा कोई व्हीकल होता नहीं था, तो मैं सुबह जाता था पापा को लेकर के साइकिल पे, साइकिल पापा चलाते थे और आते हुए मैं वापस साइकिल लेके आ जाता था। तो उस दौरान जो हमारी बातचीत होती है उससे पिताजी ने जो अपने संघर्ष से जो सीखा था, वाह, उन्होंने वो अपनी वैल्यू मुझे प्रदान की। वेरी गुड, वेरी गुड। उस समय हम ये सोचते नहीं है कि हम सीख रहे हैं, पर वो हमारे अंदर इनकलकेट होती जाती है, धीरे धीरे हम बन रहे होते हैं। तो वो जो प्रक्रिया थी, वो जो 3-4 साल का जो रूटीन चला, उसमें धीरे धीरे आप जो अभी जो मनोज कुमार देख रहे हैं उसको बनता देख रहे हैं। अच्छा देखो, पिताजी तो शिक्षक थे, स्वयं उनका करियर था, शिक्षित भी थे। माँ की भूमिका बड़ी नाजुक भूमिका होती, बड़ी सूक्ष्म भूमिका होती एक बच्चे के निर्माण में। तो आपकी माँ का क्या रोल रहा आपके इस व्यक्तित्व के निर्माण में? क्योंकि जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो मेरा जो संघर्ष है वो मेरे पिताजी के संघर्ष के सामने बहुत बौना है। और इतने अधिक संघर्ष के कारण सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अति गंभीर हो जाता है। वो किसी भी उत्सव को बनाने में या किसी भी प्रकार को खुद को व्यक्त करने में थोड़ा संकोची होता है, जबकि जो मेरी जो माता जी है उनका व्यक्तित्व तो उसके ठीक उलट है। अच्छा, उनमें एक अलग तरह की जिंदा दिली है। अच्छा, तो आप जो हम पहले बात कर रहे थे, जो एकदम जो शरारतीपन है, जो ऐसा जुनून सा दिखाई देता है, लड़कपन दिखाई देता है, उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। तो माता ने काफी रिलीज किया तुमको? जो रिलीज करने का काम है वो मेरी माँ ने किया है। कभी उन्होंने प्रेशर आने नहीं दिया, उनकी नजरों में हम हमेशा से काबिल। अच्छा, तो और पिताजी की नजरों में काबिल बनो। बहुत अच्छा, संतुलन बहुत अच्छा। तो वो जो भीतर का जो कॉन्फिडेंस मिला एक बच्चे को जो मिलता है माँ से, तो वो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस माँ से मिला। तीन बड़ी बहनें थी, तो इन बहनों का आपके परिवर्ष में क्या रोल रहा? सर, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत से ही मेरे मम्मी का स्वास्थ्य क्या अच्छा नहीं रहता था। अच्छा, उसकी वजह से जो मेरी बहनें हैं उन पे एक एक्स्ट्रा बर्डन रहा कि उनको न केवल माँ को संभालना है, घर भी संभालना है और मुझे भी संभालना है। तो जो मेरी बड़ी बहन है, आप उसको मेरी नेक्स्ट मदर बोलते हैं, कोई क्या बात। तो और कभी कभी सब कुछ बनाने में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब कुछ बहनें ध्यान रखती है। और वो भी तीन बहनों के बाद एक भाई हो तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा प्यार केयरिंग हो ही जाती है। अच्छा, अब वहाँ घर से निकल करके और भी कोई है जिनका तुम्हारे वहाँ पर नोहर में किसी व्यक्ति ने तुम्हारे व्यक्तित्व को निर्मित करने में विशेष रूप से कोई छाप छोड़ी हो? तो विकास बेनीवाल एक मेरा मित्र है, जो कि अपने परिष्कार के छात्र भी रहे हैं और जूनियर भी रहे। अच्छा, परिष्कार में पढ़े भी? विकास परिष्कार में पढ़े भी हैं। और इसके अलावा दो जो साथी हैं, राकेश सिहाग और अनिल बादवानी, वो भी मेरे साथ नोहर से ही जयपुर आए और परिष्कार में पढ़े हैं। जयपुर में आना, जयपुर में पढ़ाई करना और फिर परिष्कार में आना, ये सब ये कैसे संभव हुआ? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? सर, इसके पीछे तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अच्छा, संयोग की क्या भूमिका हो सकती है इस कहानी से हम सीख सकते हैं। क्या बात है कि दरअसल जब हम शुरुआत जब हमने की, तो मेरा कोई परिचित यहाँ पर था नहीं। राकेश आया तो राकेश का भी कोई परिचित था नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने एडमिशन ले लिया और उसके बाद में हमने राजस्थान कॉलेज के चक्कर मारने शुरू किए। कोई वहां पे टीचर नहीं आ रहा, तो कुछ गलतियां अच्छी होती है। अच्छा, तो उस दिन गलती, क्योंकि मैं सबसे कम गंभीर स्टूडेंट था उन सब, मैं लेट उठा। अच्छा, लेट हो गए तो वो उस टाइम शायद तक 29 नंबर बस जाती थी सोडाला से राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर। तो वो जो बस है वो मिस हो गई। तो उसके बाद में क्या किया जाए, वापस लौट जाया जाए या राजस्थान कॉलेज जाए, क्योंकि वहां पर जाके हम वैसे भी थक चुके थे लगातार 2 महीने तक। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जब बच्चे जा रहे हैं, परिष्कार के जो छात्र थे, हमें नहीं पता था इसका नाम परिष्कार कॉलेज है या और कोई कॉलेज है, पर मुझे ये पता था कि ये बच्चे है वो इतना लटक लटक के जा रहे हैं तो कुछ तो होगा। अच्छा, तभी इतनी गंभीरता से जा रहे हैं। तो उसके बाद
फिर मैंने ये निर्णय किया कि आज हम इन बच्चों के साथ इसी कॉलेज में जाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ड्रेस तो हमारे पास थी नहीं, लेकिन मैं शुरुआत से ही बात करने में अच्छा था, तो मैंने सोचा गार्ड को हैंडल कर लेंगे। तो इधर आते ही उस समय गांधी जी पे डिबेट चल रही थी। अच्छा, कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में गांधी जी पे डिबेट चल रही थी, और उस समय कमलेश और भीम आपस में काफी डिबेट कर रहे थे, और भीम तो डिबेट में वैसे ही बहुत ज्यादा रहा है, अग्रणी है। तो मैंने राकेश को कहा, देखो हम नौहर में दौड़े हैं, ठीक है, और हो सकता है हम गधों के साथ दौड़े हों, लेकिन यहाँ सब घोड़े हैं, ठीक है, इनके साथ दौड़ना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो फिर जो ये सामने रोड है वहां पे हमारा तीनों का डिस्कशन चल रहा है, राकेश का, अनिल का और मेरा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर सबसे बड़ी बात थी कि घर वालों का कैसे सामना किया जाए, उनको क्या जवाब दिया जाए। ये तुम्हारा इतनी प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ है, तुम उसे क्यों छोड़ना चाहते हो। तो उसके बाद मैंने कहा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उस टाइम भी ये था कि मेरी जो सिस्टर थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और मैंने घर पे फोन करके कहा मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे एडमिशन लेना है और मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। तब भी घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे देते हैं। तो उस समय 10,000 रुपए घर वालों ने मुझे दिए। परिस्कार की फीस होती थी 9,000 रुपए। हम मेरे और राकेश के दोनों के 80% से ऊपर थे, तो 20% हमें रिबेट मिला था। और उसके बाद में वो टोटल अमाउंट बन रहा था लगभग 7,200। उसके बाद में राकेश ने कहा कि मुझे भी एडमिशन लेना है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो हाथों हाथ क्या इतना अमाउंट ले सके, क्योंकि तब तक तो कॉलेज के साथ भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कॉलेज हमारे बारे में सोचे। तब मैंने सोचा भी क्यों ना हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आधी मेरी फीस है उससे मैं राकेश की फीस भर देता हूँ, और आधी जो मेरी फीस है उससे मैं मेरी फीस भर लेता हूँ। इसलिए मित्रों सोचिए, देखो ये एक बड़ी छोटी छोटी कहानियां होती है किसी व्यक्तित्व के बनने में, और कैसे दोस्ती कोई किसी को कैसे मदद कर देता है उस समय। तो देखो क्या जो मनोज क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं कि कैसे दोस्ती के साथ में उन्होंने फीस में ये सारी व्यवस्था की, और फिर आप लोग फिर आगे क्या हुआ, ये बहुत रोचक कहानी है। सर अभी वो 10,000 रुपए का हिसाब पूरा कर लेते हैं पहले। अच्छा, तो 3600 रुपए फीस हो गई, बाकी के हमने स्कूल की वो कॉलेज की ड्रेस ले ली। उसके बाद में हमने ये प्लान बनाया कि इसकी पूर्ति कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि उस समय पैसा 10,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, आज भी है। तो उसके बाद में हमने सोचा कि हमें जो हमारा खर्चा है वो मिनिमम करना होगा, ताकि हम 700-800 रुपए बचाए तो ये फीस वाले जो किस्सा है ये आगे चल करके पूरे साल तक खत्म हो गया। फिर आगे चल के हम गुजर की थड़ी पे एक रूम था छोटा सा, उसी में किचन था, उसमें हम 3 लोग रहते थे, और सब लाइन बना के गद्दे लगे हुए थे, और सब और उसमें भी सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग है। 7 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 4 बजे तक हम पढ़ते थे, 3 घंटा सोते थे, 7 बजे क्लास आते थे, 4 बजे वापस जाते थे, फिर 3 घंटा सोते थे, और फिर रात को वापस पढ़ाई। तो इस बीच में फिर राजस्थान कॉलेज से मुक्ति पा ली आप लोगों ने, और परिष्कार कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ परिष्कार कॉलेज में, फिर जिस सपने से लेकर आए, जो सोच लेकर के आए, वो सोच क्या था, कैसे था? घोड़े, ये तो कह दिया आपने कि हम घोड़ों के बीच में रहना, अब तो आपके। सर जैसे ही हमारा एडमिशन हुआ तो उसके अगले दिन एग्जाम हो गए थे कॉलेज के। अच्छा, कॉलेज के एग्जाम है ना, उसे इंटरनल टेस्ट जो है, और हम 12th करके आए, हमने कोई क्लास नहीं लिया, कोई भी क्लास नहीं लिया, 12th करके आए, और क्या एग्जाम देना पड़ेगा, इनके रिजल्ट है वो आपके घर भेजे जाएंगे। तो हमने इधर उधर से किताबें ली बीए फर्स्ट ईयर की, और हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद में आया रिजल्ट। रिजल्ट आते ही खलील सर ने बोला कि अरे ये कौन लड़का है मनोज कुमार,
इसके पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 82 मार्क्स आए हैं। इसको कभी देखा ही नहीं। हाँ हाँ। और उस सब्जेक्ट को मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा। तो हमें वो जो स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन मिला, यस यस, हमें एग्जाम के अंदर बैठना है, एग्जाम देना है, और वो एग्जाम हमारे घर पे जाएगा। तो वो जो हमारा जो स्टार्टिंग की जो स्पीड थी ना, वो बहुत तेज थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, मतलब टूट के मेहनत कर रहे थे उस एग्जाम की वजह से। या फिर परिष्कार कॉलेज में जो 3 साल गुजरे, उसने आपके व्यक्तित्व को बनाने में, निर्मित करने में, कंपटीशन की तरफ जोड़ने में, इसने क्या भूमिका अदा की? हमारे काफ़ी बच्चे इस बात से जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रेजुएशन करने का जो दौर होता है, एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आप और दूसरी किसी कॉलेज में होते हैं, लेकिन आप परिष्कार कॉलेज में आ गए, तो अब आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि परिष्कार कॉलेज ने आपके व्यक्तित्व दिशा देने में क्या काम किया? सर, व्यक्तित्व की बात जहाँ तक है, तो एक तो यहाँ की जो PD की क्लास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसमें ड्रामा है, मेडिटेशन है, या फिर स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए जो डांस होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है, आप किसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा योगदान है उस चीज का। और जहां तक फाउंडेशन एजुकेशन की बात है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान हो या कोई भी एग्जाम हो, वो बेसिक एजुकेशन के बिना इनकम्प्लीट है। तो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने में यहाँ के टीचर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और जो सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि जो हमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक, चाहे वो महेंद्र गोदारा सर हो, सूर्यकांत सर हो, विकास सर हो, या प्रमोद सर हो, वो डायरेक्टली सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे। या वो पढ़ाते थे, वो कॉम्पिटिशन दे चुके थे। हाँ। अनुभव था उनके और पास। वो सिलेक्टेड होने वाले ही थे उस समय। और एक विद्यार्थी है, वो सामान्य बात है कि अपने शिक्षक को कॉपी करने की कोशिश करता है। Right. तो उन्होंने जो लाइन बनाई, बाकी जो विद्यार्थी थे उन्होंने उस पर चलना शुरू कर दिया। इसलिए उन शिक्षकों की बहुत आधारभूत भूमिका है इस संदर्भ में। इसलिए अपने आप में एक पूरा पैकेज हो गया परिष्कार की तरफ से। तो सूर्यकांत जी वगैरह फिर बाद में सिलेक्शन भी हो गए, आरएस वगैरह में चले गए, यहाँ से वो फैकल्टी सेलेक्ट होकर के चलेगी। यहाँ पर जो मित्र थे आपके परिष्कार कॉलेज में, उन मित्रों की आपकी जो क्योंकि मित्रों के साथ ही आप कॉलेज में आए थे, तो उन मित्रों के साहचर्य से, उनके साथ रहने से किस तरह से आपके भीतर आपका विकास होता है मित्रों के साथ में? सर, मित्रों का ये है कि आप किन चीजों के बारे में विचार कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग कहाँ जा रही है। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, कोई रेलिवेंट टॉपिक पे आपसे बातचीत करते हैं, तो बिल्कुल उन चीजों का फायदा होता है एजुकेशन में भी, जोश में भी, या किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स का माहौल है या नहीं। और जहां तक कि यहाँ के जो मित्र रहे थे, वो तो एक दूसरे को पढ़ाने का उनमें कल्चर था बहुत अच्छा। जैसे दलवीर को सिद्धार्थ ने ही पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया। एक दूसरे को, जैसे हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो पंकज फिर भी मुझे हिस्ट्री पढ़ा रहा है। पब्लिकेट मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के मेरे साथी की मदद करने के लिए उसको बता रहा हूँ ये। तो अपने आप में वो जो इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम इवॉल्व हो गया दोस्तों के बीच में। क्योंकि वो सारे बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे, तो हमें क्या अपने मित्र चुनते टाइम बहुत ही बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि एक उनका भी एक स्तर होना चाहिए, वो आपकी सफलता असफलता सबके प्रतिभागी हैं, इसलिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अगर परिष्कार नहीं मिला होता, तो क्या क्या चीजों को आप खो सकते थे, क्या क्या खतरे हो सकते थे? ये दोस्त नहीं मिलते, ये टीचर नहीं मिलते, ये वातावरण नहीं मिलता, तो कौन सी चीजें आप मिस करने का खतरा हो सकता था? सर, मैं मुझे लगता है मैं सिंसियर नहीं रह पाता इतना। जो सिंसियरिटी थी ना, क्योंकि जब हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं। हाँ, मैं अपने आप में जब मैं 12th पास करके आया था, तो मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ। हमें क्या है, सच का सामना करना आना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे रेलिवेंट बना रहना है, कंपटीशन में बना रहना है, तो मुझे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो चैलेंज है, बहुत वो लगातार परिष्कार बहुत बारीक बात कह रहे हो आप। ये जो 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 एटमॉस्फेयर है, चाहे वो टीचर्स का हो, कॉलेज का हो, चाहे वो मित्रों का हो,
एक अच्छे बच्चे की जो पोटेंशियलिटी है उसका उपयोग तभी हो पाएगा जब वो बहुत एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लगातार चैलेंजेस उसको मिलता है लगातार ये मेरा कॉम्पिटिटर ये मेरा कॉम्पिटिटर। तो यहाँ परिष्कार कॉलेज में क्योंकि कॉम्पिटिशन के भाव से स्टूडेंट आते ही हैं और सबको अपना एक सपना लेकर के आते हैं, तो उस सपनों के बीच में आप अपने आप को चैलेंज लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी और आगे चलता हूँ कि इसके बाद में आपने दिल्ली में कोचिंग भी ली, कोचिंग का कैसा अनुभव रहा, क्या रहा, और परिष्कार कॉलेज के उस एटमॉस्फेयर और कोचिंग उस कोचिंग का क्या रिलेशन रहा कैसे? सर मैं काफी बच्चे वहाँ कोचिंग करने जाते हैं, अभी भी जाते हैं, जाएंगे, तो आप किस तरह से इस चीज को एनालिसिस करेंगे इसकी बात को? कोचिंग लेने मैं दिल्ली गया भी था जी, वहाँ पे रहा, लेकिन मैं वहाँ 3 महीने तक ही मैंने कोचिंग की। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहा हूँ वैसा कुछ मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, जब मैं भारत का संविधान यहाँ बीए सेकंड ईयर में मैं पढ़ चुका हूँ, उतनी बारीकी से ही अगर क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो फिर क्लास में बैठकर समय बर्बाद करने का क्या उचित है? ओहो ओहो, क्योंकि जो मेहनत में मैंने बीए के दौरान नहीं कर ली है और उससे कम स्तर का ज्ञान ही कोचिंग के अंदर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब पैसा तो हमने पहले ही वेस्ट कर दिया है, अब उस पैसे के चक्कर में समय वेस्ट करना बुद्धिमानी क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपने परिष्कार में एक अच्छा मजबूत ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अपने आप को ग्रो कैसे किया सिविल सर्विसेज के चुनौती के लिए? सबसे पहले तो सिलेबस को जानना जरूरी है। यस, एक बार जब आप सिलेबस को जान लेते हैं उसके बाद में आपको पता चलता है कि कौन कौन सी किताबें मेरे लिए इसके लिए महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, और कोई किताब किसी किताब से कमतर नहीं है। यस, वो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो उससे क्या निकाल सकता है। बहुत अच्छा। तो आप अपनी एक रेफरेंस बुक उसके लिए बना लीजिए। ठीक, चाहे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के लिए आप अपनी रेफरेंस बुक बनाइए, इकोनॉमिक्स के लिए कोई रेफरेंस बुक बनाइए, सब खंडों के लिए अलग अलग आप अपनी रेफरेंस बुक बना लीजिए। यानी ये आपका हो गया थ्योरेटिकल बेस। अब केवल और केवल थ्योरी के आधार पर सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन भी देखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब एक बार आप अपने पूरे पाठ्यक्रम से गुजर जाते हैं उसके बाद आप ये देखिए कि करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्के की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे इंटरव्यू हो। केवल थियोरी से जो कि किताबों में लिखी रहती है उससे काम नहीं होता, लेकिन उस थियोरी के साथ साथ करंट सिचुएशन में उसको अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे जा करके आपकी सिविल की तैयारी होती। तो आपने करंट सिचुएशन में उसके बारे में, तो फिर उसमें तो आपकी थॉट प्रोसेस जगी होगी, विचारशीलता जगी होगी। बिल्कुल, आप जो जो करंट है उससे जूझते होंगे कि इन सिचुएशन में इस थियोरी को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, कैसे करूं। जो सब प्रत्येक जो इवेंट होता है उसको आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव की नजर से देखना है, एक सामान्य सामान्य चर्चा परिचर्चा वाले छात्र की तरह नहीं। बहुत अच्छा। उदाहरण के लिए जो राजस्थान में अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपका फोकस होना चाहिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या, बहुत अच्छा। वो चाय की चर्चा में और एक प्रशासक की चर्चा में बहुत बड़ा अंतर होता है, आपको उस पर फोकस करना है, तब आपकी जो स्टडी है वो करंट प्लस थ्योरी, यानी उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके थ्योरिटिकल बैकग्राउंड क्या, वो अपने आप में एक इंटीग्रेटेड स्टडी हो जाती है और जिसका आपको परिणाम आगे मिलता है। मनोज, ये जो अभी जो अचीवमेंट मिला आईएएस बनने का, ये अभी तो बहुत अच्छा दुर्लभ अचीवमेंट था, अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे अनेक प्रकार की असफलताएं हैं। उन असफलताओं से दो बात हुई होगी, उन असफलताओं को एक तो मैनेज किया होगा अपने आप को, वहाँ जो निराशा मिली होगी उससे अपने आप को उबारा होगा, दूसरा उनसे सीखा होगा। ये दो चीज़ें हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले अटेम्प्ट्स में कई बार सफलता नहीं मिल पाई, तो फिर अपने आप को कैसे मैनेज किया? सर, जो सफलता और असफलता है उन दोनों के संदर्भ में ही सबसे महत्वपूर्ण है उन दोनों को हजम कर पाना। क्या बात, यस। अगर आप सफलता को नहीं पचा पाते हैं तो आप हवा में उड़ने लगते हैं। बहुत अच्छा। और विफलता को नहीं पचा पाते हैं तो आपके पांव उखड़ जाते हैं। या। और इन दोनों ही कंडीशन में आप जो रियल ग्राउंड जो रियलिटी है राइट उसको एंजॉय नहीं कर पाते। या, बिल्कुल। इसलिए न तो सफलता से अति प्रेम और न विफलता का भी। बहुत अच्छा, बहुत खुद अच्छा। की जो क्वालिटीज है कैपेबिलिटीज या कि नहीं मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा
और मुझे जैसे जैसे मेरी स्किल और नॉलेज इंप्रूव होगा वैसे वैसे मुझे चांसेस और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्रिएट होगी। अच्छी शिक्षा से व्यक्ति अपने लिए चांसेस आगे बना लेता है, नए नए विकल्प अपने आप बन जाते हैं बहुत अच्छा। इसलिए कभी वो डर नहीं लगा कि सिविल सेवा में सफल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। इतना नॉलेज गेन किया है उसको डिलीवर करेंगे और कहीं अच्छे टीचर बनेंगे अपडेटेड। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिविटी है लाइफ को लेकर के वो तुम्हारे साथ हमेशा बनी रही, तुम एक निगेटिव दिशा में नहीं गए। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफ़ी असफल होने के बाद में, लेकिन ऐसी डिप्रेशन की स्थितियां तुम्हारे सामने नहीं आई। सर ये सब दौर है, मेरे जीवन का फलसफा ये है, जीवन एक तरफ है और करियर एक तरफ है, इन दोनों को लगातार इंजॉय करते जाओ। बहुत अच्छा। एक इंग्लिश लिटरेचर में लाइन पढ़ते थे, एस्पिरेशन इज जॉय फॉरएवर। यस एस्पिरेशन, जिसने सभी महाद्वीपों के जो चोटियां उनको फतेह कर लिया तो बचा क्या। नेक्स्ट ओलंपिया, यानी कि उस सफर का आनंद लीजिए और उस सफर में आपके जो जीवन का जो चरण चल रहा है उसको भी मिस ना करें। कहीं ये भूल कर दें कि नहीं, हम तो अपना सारा का सारा जीवन है वो लोक सेवा परीक्षा की तैयारी को अर्पण कर देते हैं उसको, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। जीवन के जिस दौर में है उस दौर को एंजॉय कीजिए, छात्र है छात्र की तरह रहिए, गंभीर रहिए। देखो परिष्कार कॉलेज में तुमने एक बहुत मजबूत इतिहास बनाया है, तुम पहले IAS परिष्कार कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो, तो परिष्कार कॉलेज के बच्चों को अपने इस कैरियर के निर्माण के संदर्भ में तुम क्या कहना चाहोगे कि वो यहाँ ग्रेजुएशन करते हुए, चाहे वो BSc के हो, BCom के हो, BA को, वो क्या कुछ करें कि ताकि वो लोग इस दिशा में, एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में, IAS की दिशा में, RS की दिशा में जाना चाहें तो फिर वे जाएं ही, उनके मजबूत कदम रहें। जो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है कि ये जो लोक सेवा और जो सरकारी नौकरी के प्रति जो अति प्रेम है और उसके चक्र में बच्चों को आदत लग जाती है कोचिंग का मटेरियल पढ़ने की, नई नई पत्रिकाएं पढ़ने की, उसके चक्कर में बच्चे जो रेफरेंस बुक्स है जो उनके BA में ग्रेजुएशन के सिलेबस में, उनकी महत्ता को समझ नहीं समझ पाते। सबसे पहले यह बात समझने की है कि वो उनकी फाउंडेशनल बुक्स है, वो आगे उनका करियर को दिशा देने वाली ग्रेजुएशन वाली किताबें पहले उनको ईमानदारी से वो कंप्लीट करे, ठीक है, उसके बाद में वो अपने साथ में सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दे। बहुत अच्छा, फिर भी आप में ऊर्जा बचती है, ऐसा नहीं है, फिर भी आप में ऊर्जा बचती है तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल को देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, यानी अगर आपकी फाउंडेशन है जो ग्रेजुएशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके ऊपर फिर आगे सफलता की और लोक सेवा में इमारत बनाना मुश्किल है। मनोज, ये एक बीमारी सी फैल गई है इस समय कि लोग अपने ग्रेजुएशन को तो फॉर्मल ढंग से किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लो और केवल कोचिंग में जाकर के फिर उससे अपने आप को उस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करो, तो वो ये जो बीमारी है इसका क्या करें? हमारे कई बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं कई बच्चों से कि वे ग्रेजुएशन में नॉन सीरियस हो जाते हैं और कोचिंग के भरोसे वो अपने IAS और RS के कॉम्पिटिशन को जीतना चाहते हैं। इस बात का अनुभव तो होता है, लेकिन जब तक अनुभव होता है 2-3 साल निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी है उनको इस बात का अनुभव नहीं होता कि हमें ग्रेजुएशन की किताबों को सीरियस लेना चाहिए। जैसे कि NCERT को कहा जाता है कि ये सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक बुक है, यानी कि जो NCERT की 12वीं तक की जो किताब, 12वीं तक की, और BA का लेवल तो उनसे एक कदम और आगे है, इसलिए ये उनको अनुभव तो होता है लेकिन वो अनुभव होने में काफी समय लग जाता है। इसलिए पहली बात तो जिन्होंने इस चीज को अनुभव कर लिया है तो उनके अनुभव से सीखने सबसे बेहतर बात तो यही। बहुत अच्छा। आज मैं इतने लंबे सफर के बाद ये बात कह रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ठोस आधार होगा, इसलिए उनकी महत्ता को कभी भी कम करके ना नहीं आगे लगातार उनको बड़ी गंभीरता से पढ़े, आगे आपके करियर में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और यह केवल किसी परीक्षा में सफल होने की बात नहीं है, आप एक लोक सेवक बनने के बाद में भी अगर आप पॉलिसी फॉर्मेशन और प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे तो आपके जो बैक हैंड में वो किताबें जो आपने अध्ययन किया है डिटेल्ड स्टडी के, वो बहुत काम आने वाली। बहुत अच्छा। तो ये अच्छा हुआ आज अपने स्वयं अपने अनुभव से इस भ्रांति को दूर किया
और हम लोग बराबर परिष्कार कॉलेज में, तुम जानते ही हो कि परिष्कार कॉलेज में बराबर उस फाउंडेशन को, ग्रेजुएशन की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए और जो स्किल की बात की, स्किल डेवलपमेंट की, उनकी हम लोगों को कोशिश करते हैं। हिंदी मीडियम का आईएएस वगैरह में काफ़ी बड़ा संकट है, लेकिन क्या हिंदी मीडियम इतनी निराशा पैदा करने वाला है? क्या हिंदी मीडियम से बच्चे कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाएंगे? क्या हमारे तो काफ़ी राजस्थान के बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है और हिंदी मीडियम के ही हैं, तो ये हिंदी मीडियम आईएएस के कंपटीशन में कैसे, क्या उनको मजबूती देगा, इसके बारे में क्या अनुभव है, क्या सोच है? ये जो हिंदी मीडियम से हमारे बच्चे जो तैयारी करते हैं आईएएस के, तो ये क्या इस मीडियम के माध्यम से वो सफल हो सकते हैं? सर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि जहाँ पर जैसे ऐसे की बात आती है, निबंध की बात है, वहाँ पर हिंदी मीडियम के छात्र है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा। और उनका जो अगर एवरेज मार्क्स होगा तो वो शायद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे अधिक होगा। ओहो, ओहो। और निबंध के अंदर विश्लेषणात्मक तकनीक चाहिए, बिल्कुल, आपका नॉलेज चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सब कुछ चाहिए। या। लेकिन वही स्टूडेंट जब मेंस के उत्तर लिखते हैं तब ये एवरेज है वो गड़बड़ हो जाती है। हा, 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 तब उनका जो एवरेज है वो गिर जाता है। जैसे अभी चर्चा में है कि जो हिंदी माध्यम की जो सर्वोच्च रैंक है वो लगभग 330 के आसपास है, उससे कम ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो हमें ये दिखाती है कि सरकार को भी ये देखना चाहिए, जो नीति निर्माता उन्हें देखना चाहिए आखिर हमारे जो हिंदी माध्यम के जो शैक्षणिक संस्थान है क्या उनमें कमी है, या वाकई में हिंदी माध्यम के छात्रों का स्तर काफी कम है। हो सकता है कि जो आंसर सीट होती है उसको जांचने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया जाए। यस यस यस। या ऐसा भी हो सकता है कि देवनागरी लिपि में ही कोई शिकायत हो। नहीं, मुझे लगता है कि एक जो माइंडसेट है और जो दुराग्रह है हमारे कॉपी जांचने वालों का, ये भी हो सकता है कि इंग्लिश को लेकर के वो कुछ ज़्यादा बहुत दूसरे ढंग से सोचते हों और हिंदी को लेकर के दूसरे ढंग से सोचते हों। सर, अब तक क्या है यूपीएससी द्वारा कोई मॉडल आंसर या आंसर सीट जारी नहीं की गई, तो इस बारे में हम कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। और एक इतनी बड़ी संस्था के बारे में ऐसा कुछ कह देना थोड़ी अपरिपक्वता होगी, पर लेकिन इसमें कुछ स्पष्टता जरूर आनी चाहिए, क्या कारण है। यस, इसका एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि देखो मातृभाषा से जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है, ये पूरी दुनिया के शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मातृभाषा से पढ़े हुए व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो बहुत अच्छी होती है और सुरक्षित रहती है, और विदेशी भाषा में वो नष्ट होती है, पूरी बात है। और अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी प्राइमरी स्कूल के लेवल पर वहाँ पर मातृभाषा से बच्चे को पढ़ाने की बात की है, इसलिए हिंदी भाषा में, मातृभाषा में तो दोष नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को और यूपीएससी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और अंग्रेजी के अलावा और भाषाओं के बच्चों को ये निराशा नहीं व्याप्त हो उनमें, इस बारे में एक बहुत गंभीरता से इसको सोचने की जरूरत है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अब देखो आप एक सफलता को आपने हासिल किया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे आ गई है? आप अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रशासक के रूप में काम करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कैसी होगी, क्या होगी, किस तरह से आप अपनी सेवाओं को देना चाहोगे, इस जनता के लिए क्या करना चाहोगे, इसके बारे में क्या सोच है? सर, हमारी जो पब्लिक है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम जो पॉलिसी फॉर्मेशन है या प्लानिंग है उसका हिस्सा बने, बिल्कुल, यही चीज किसी विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को आकर्षित करती है सिविल सर्विसेज की ओर, बिल्कुल। और जैसे हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है, पढ़ने से हमें जो आइडियाज आए हैं हम वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, और गवर्नमेंट जो प्लानिंग बनाएगी उसे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यानी प्लानिंग करने के साथ साथ जो प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हमारी जो इंडिया की जो प्रॉब्लम है उनको खत्म करके हम जो न्यू इंडिया जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तरफ देश को लेके जाएंगे, मेरा यही प्रयास रहेगा। परिष्कार को आज बहुत गर्व है तुम पर, बहुत लंबा सपना जैसे तुम्हारा पूरा हुआ है, तुम्हारे माँ बाप का पूरा हुआ है, परिजनों का पूरा हुआ है, ऐसे परिष्कार के मैनेजमेंट का, परिष्कार के शिक्षकों का ये सपना पूरा हुआ है, और तुम्हारे आईएएस बन जाने से अब हमारे परिष्कार के बच्चे और ज़्यादा उत्साहित होंगे, परिष्कार से पास आउट बच्चे भी उत्साहित होंगे, निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव संचार होना है, और तुम्हारा ये अचीवमेंट पूरे परिष्कार के एटमॉस्फेयर में एक जान फूंकने वाला है कि 12th किए हुए बच्चे
जो साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में जो 12वीं पास किए हुए हैं, वे लोग परिष्कार से अपने आप को कैसे जोड़ें, इसके बारे में क्या सोचते हो? जोड़ने के लिए तो सर, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको किसी निजी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन करनी है, तो परिष्कार आपके लिए एक विकल्प है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ के टीचर्स मुझे लगता है कि वो जी जान से मेहनत करते हैं, जितना मैंने उनको देखा है। तो बीए में आकर के वो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा सभी एक्टिविटीज से जुड़े। अगर परिष्कार को अपना रहे हो तो उन सब चीजों को अपनाओ। केवल ऐसा नहीं हम क्लास करके जा रहे हैं, परिष्कार में एडमिशन लेना और वाकई में परिष्कार का स्टूडेंट होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन कर सकते हो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हो उन सब एक्टिविटीज के द्वारा, जो कॉलेज का कॉलेज आपको बोनस में करवाता है। अगर आप परिष्कार में आते हो तो उसको एज ए फैमिली आइए। कि मुझे तो एक किस्सा याद आता है कि एक बार की बात है, हम दोपहर में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, और महेंद्र मेणा लगातार, उसको चाय पीने की आदत, तो एक वर्कर ने कह दिया कि नहीं, चाय तो आपको नहीं दे सकते। तो महेंद्र मेणा दौड़ के गया राघव सर के पास कि राघव सर, आप कहते हैं परिष्कार एक फैमिली है, और एक फैमिली में क्या चाय के कप नापे जाते हैं? तो आपने फिर कहा कि नहीं, इनको जो अगर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, चाय मांग रहे हैं, तो इनको चाय दी जाए। तो अगर वो आते हैं तो वाकई में ऐसे है कि हम परिष्कार में जा रहे हैं, 3 साल उस फैमिली का हम हिस्सा रहेंगे। और उसकी जो सब एक्टिविटीज है, चाहे आप आजादी प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, और सब जो एक्टिविटी करते हैं, उनमें पार्ट लें। केवल ऐसे नहीं कि हमारे अटेंडेंस हो जाए, उन सब में पार्ट लें। उसके बाद में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनके व्यक्तित्व में निखार जरूर आएगा। हमने पिछले 8 वर्षों में बहुत सीखा है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे थे, आप लोगों ने बहुत चुनौतियां हमको दी थी, और उन चुनौतियों को हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका तो उस समय तो बहुत यूँ क्लासेज में कुछ घंटे होता था, अब 3 दिन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अलग से कैंप होता है, रात को भी यहाँ लड़के लड़की रहते हैं, और 3 दिन में बहुत बदल के रह जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन बहुत कराते हैं, हर महीने 2-2 दिन हम लोग प्रेजेंटेशन करवाते हैं बच्चे से, तो कि वो तैयार करते हैं, PPT के माध्यम से पूरी क्लास को पढ़ाते हैं, हर महीने 2 दिन वो लोग पढ़ाते हैं। टेस्टों में हम लोग काम कर रहे हैं, एक वर्कशीट का और सिलसिला हमने शुरू कर दिया है कि बच्चे को किताबें, तो हमारे समय में भी किताबें खरीदवाते थे, अब किताबें खरीदवाते हैं और एक पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके उसको दे देते हैं, घर पे इस चैप्टर को पढ़ो और इन क्वेश्चंस के आंसर लिख के लाओ, कल क्लास में डिस्कशन होगा। तो अब हमारा डिस्कशन ओरिएंटेड काम होता है, बजाय कि लेक्चर देने के। तुम्हारे जमाने में लेक्चर ज्यादा होते थे, अब लेक्चर कम होकर के डिस्कशन ज्यादा होता है। तो वो जो जिन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन स्किल पर अब हमने काफी फोकस किया है, और तुम तो जानते हो कि जब तक सुविचारशीलता नहीं विकसित होगी, तो अभिव्यक्ति कहां से विकसित होगी? तो बच्चे की विचारशीलता विकास के लिए, अभिव्यक्ति विकास के लिए परिष्कार में अब काफी हम लोग काम कर रहे हैं, और पर्सनल केयर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमने देखा एक और बात है, चेंज आया है। आपके समय में बच्चों की जो सिंसियरिटी थी, उस सिंसियरिटी में थोड़ी सी कमी आई है। सोशल मीडिया ने उनके दिमाग को खाली कर दिया है, हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अब हमको उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो मनोज, मैं बहुत ही आज गदगद भी हूँ और बहुत गर्वित भी हूँ, पर पूरा परिष्कार का पूरा परिवार तुम्हारे इस अचीवमेंट पे गदगद है। तुम और आगे तरक्की करो और ऊंचाइयों पे जाओ, और ऊंचाइयां न केवल पद को लेकर, बल्कि इस पद के साथ जो तुमको जिम्मेदारियां मिली हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में तुम एक प्रतिमान स्थापित करो। जिस वर्ग से तुम आ रहे हो, जिस देहाती परिवेश से आ रहे हो, जिन समस्याओं की ओर वर्णन किया है, वो समस्याएं इतनी इस देश में इतनी ज़्यादा हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में तुम अपनी भूमिका अदा करो, और तुम गर्व कर सको कि यस, मुझे भारत सरकार ने जिस पद पे चुना है, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ, और तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।